नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर विजयनगर थाना पुलिस ने कैसे मंचले को गिरफ्तार किया है, जिसने पहले तो युवती के खाते में रुपए डाले और फिर युवती को अश्लील मैसेज करने लगा। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी दीपक सोनी को गांधीनगर से गिरफ्तार किया है। दरअसल मामला विजयनगर थाना क्षेत्र के वेदांता हॉस्पिटल के पास रहने वाली युवती ने थाने पर शिकायत की थी कि उसके मोबाइल पर एक युवक द्वारा अश्लील मैसेज किए जा रहे हैं, उसके खाते में कुछ रुपए भी डाले गए थे। पुलिस ने मामले में गंभीरता बरतते हुए प्रकरण पंजीबद्ध कर मोबाइल नंबर के आधार पर गांधीनगर में रहने वाले दीपक सोनी नामक युवक को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पकड़े गए आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि आरोपी युवती को आए दिन मोबाइल पर मैसेज कर परेशान कर रहा था। एक युवती द्वारा कंप्लेंट की गई थी कि जिसमें उसने बताया था कि उसका फोटो और उसके मोबाइल नंबर का उपयोग करके सोशल मीडिया पे नंबर लिख दिया गया, जिसकी वजह से उसके पास बहुत सारे अनावश्यक कॉल आ रहे थे। वो परेशान हो गई और फिर जब उसने कोशिश की कि वो बंद हो जाए तो उससे पैसे की मांग की गई थी। इसी के आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया था। आरोपी की तलाश की गई, आरोपी को दीपक सोनी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने पर पूछताछ पर उसने बताया कि किसी कारण से उससे नाराज हो गया था लड़की से, और नाराज होकर उसने उसको सबक सिखाने के हिसाब से इस टाइप की फर्जी आईडी बनाकर उसने डाल दी थी। अब प्रकरण में उसको गिरफ्तार कर लिया गया, मोबाइल वगैरह जब्त कर लिया गया। आरोपी को माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।